ये आप देखिए, एक दीवार पे पोस्टर है, सबका साथ और सबका विकास लिखा है इस पर। और क्या लिखा है, ना हिंदू मायने रखता है ना मुसलमान मायने रखता है, नेता नहीं हूं मैं, मेरे लिए हर इंसान मायने रखता है। निश्चित तौर पे ये जो संदेश है, ये हिंदुस्तान की परिभाषा गढ़ने वाला संदेश है। इसके बाद जो लिखा है, बातें अमन चैन की अब आवाम तक पहुंचने दो, ये नफरत की सियासत हिंदू मुसलमान तक ना पहुंचने दो। रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर आप इस पंक्ति को भीतर से महसूस करेंगे तो। उसके बाद देखिए कि सच्चे और शिक्षित युवा ही राजनीति की दिशा और दशा बदल सकते हैं। फिर सोच समझ के देंगे वोट, अब यही सोच बढ़ाएंगे, गांव का विकास कराएंगे। ये कहना है किनका, तो जो तस्वीर देख रहे हैं उस तस्वीर के प्रत्याशी, बरना पंचायत के मुखिया प्रत्याशी हैं डावर खान जी। बहुत अच्छे अपने ज़माने के जाने माने क्रिकेटर हुआ करते थे, समाज सेवा में पिछले कई वर्षों से अपनी समाज को सींचने के प्रयास में हैं, इस बार चुनावी मैदान के समर में भी हैं। डावर खान जी, ये जो संदेशा है, इस संदेशा का कितना महत्व तो इस परना पंचायत में मिल पाया, चूंकि चुनाव का अंतिम प्रचार है आज, इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। शुक्रिया आपका, आपके इस चैनल के माध्यम से। मैं डावर खान, मैंने पहले भी कहा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, जब तो नॉमिनेशन हमने करा लिया है। और जनता को ये मैसेज देना चाहेंगे कि चार व्यक्ति इस चुनाव में फील्ड में उतरे हैं, जिसमें वर्तमान वीरेंद्र शर्मा हैं, पूर्व मुखिया महफूज अंसारी जी हैं और अमरेश कुमार हैं, और हम अपनी भी उपस्थिति दर्ज कराया है परना पंचायत में। हमारी सोच है कि परना पंचायत को एक अच्छे दिशा में ले चलें और लोगों को सही कहीं न कहीं वोट, जो आज का दौर जो चल रहा है, जो पूर्व मुखिया जी और वर्तमान मुखिया ने जो अब तक जो काम किया है जनता के लिए, वो इंदिरा आवास हो या नल जल योजना हो या रोड नाला सड़क हो, काफ़ी गड़बड़ियाँ हैं। हमारे वर्तमान मुखिया जी वीरेंद्र शर्मा, उन्होंने शुभ आरंभ किया था, रोड से बनाने का काम किया था, पहला रोड उन्होंने बनाया था। वो प्रमोद यादव की घर के पास से और कब्रिस्तान के अंतिम छोर में उन्होंने पहला रोड बनाया था। उस निर्माण को आप देखिएगा, उस रोड को, तो वहाँ पे जैसे ही रोड बनाया था, उसके कल परसों हो करके वो रोड गड्ढे में तब्दील हो गया। सीमेंट बालू का जो सही से मिलावट होना चाहिए वो नहीं मिला। ये बात ठीक है, हम आपकी बात को मान रहे हैं। हम इस बात को लेकर के आपसे बात कर रहा हूँ कि ना हिंदू मायने रखता है ना मुसलमान मायने रखता है, नेता नहीं हूँ मैं, मेरे लिए हर इंसान मायने रखता है। जी ये संदेश कहीं ना कहीं, मेरे गांव में हिंदू मुसलमान की एकता है। कुछ लोग बांटना चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान में बांटा जाए, भेदभाव किया जाए, लेकिन मेरा संदेश यही है कि न हिंदू मायने रखता है न मुसलमान मायने रखता है, नेता नहीं हूँ, मेरे लिए हर आवाम मायने रखता है। तो हमारा भाईचारा कल भी था और हम भाईचारे को लेकर चले हैं। जनता जिस रूप में हमें देखती है, मैं जनता के सर आँखों पर उनके फैसला को रखूँगा। एक कहानी आई है सामने, जब मैं पंचायत में घुसा तो टोपी पर टोपी की कहानी अभी से स्टार्ट है। जी हाँ, टोपी पूर्व मुखिया महफूज अंसारी जी को चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग ने जो दिया था वो पुल छाप है, और हमें डावर खान को जो चुनाव चिन्ह मिला है वो कलम दवात है, तीसरे नंबर पर अंकित है। और महफूज जी, अब उनकी बात तो हम उनसे किया नहीं है कि किस वजह से वो हमारे चुनाव चिन्ह पर, टोपी पर अपना लोगो लगा करके वो घूम रहे हैं, बांट रहे हैं। सप्ताह दिन से हमारे, हमको मैसेज ये मिल रहा है जनता के द्वारा कि आपका टोपी जो है वो कहीं न कहीं महफूज अंसारी का पिक्चर लगा हुआ है, चुनाव चिन्ह लगा हुआ है पुल छाप। तो क्या आप दोनों गठबंधन में तो नहीं हैं?
लेकिन उनका एक संयंत्र है कि कहीं ना कहीं दावर को एक घेरे में लिया जाए, क्योंकि हम दोनों एक ही कम्युनिटी के लोग हैं और एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम दोनों एक हैं, लेकिन हम चुनाव में उतरे हैं चुनाव लड़ने के लिए, कोई मुसलमान कोई हिंदू नहीं, हम अपना कहीं ना कहीं जो इरादा है उस इरादे के साथ उतरे हैं कि चुनाव लड़ रहे हैं, भाईचारे के साथ चुनाव लड़ेंगे। और उनका मानसिकता यह है कि बदनाम किया जाए, बदनाम किया जाए, तो जब ऊपर वाला हमें बदनाम नहीं कर सकता है तो महफूज अंसारी क्या हैं, वो बदनाम हमें करके क्या करेंगे, जनता देखेगी फैसला करेगी। ये टोपी क्या है, टोपी उनका उड़ता है या टोपी बसता है, तो वो जनता ही तय करेगी। इसीलिए तो आपने कहा है कि मेरे लिए हर इंसान मायने रखता है। अब मैं एक हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ के जिले के वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं, चूँकि आप पत्रकारिता से अलग हैं तो सामाजिक जीवन जी रहे हैं। श्रीमान, आप एक ऐसा संदेश दें कि समाज का पुनरुत्थान के लिए लोग आगे आ सकें। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस ग्रामीण परिवेश में भी आकर के और वैसे एक प्रत्याशी का को आप नाम उजागर कर रहे हैं, उसके कृत को उजागर कर रहे हैं, उसके कामकाज को उजागर, उसकी मनसा को उजागर कर रहे हैं, तो ये आपका बड़प्पन है, आपके चैनल का बड़प्पन है। हम तो सिर्फ यही कहते हैं, जनता ये कहती है कि अच्छे लोगों को आना चाहिए चुनाव में, प्रत्याशी बनना चाहिए, जनता को निर्णय लेना है कि अच्छे प्रत्याशी आए हैं, आप उनको अपना आशीर्वाद दें। अभी तक में हमने जो देखा है उसमें एक अच्छे प्रत्याशी हमको मिले हैं, डाबर अली खान स्पोर्ट्स पर्सन हैं। जब जब गांव में कभी भी आपत्ति विपत्ति हुई है, हमारा गांव गंगा जमुनी तहजीब का गांव है, यहां कभी सांप्रदायिक हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव बना रहता है, कोई असामाजिक तत्व अगर कुछ इसको छिन्न भिन्न करने का प्रयास करते हैं तो डाबर अली खान हो या हम लोग हों या और कुछ समाज के लोग इसको ऐसे लोगों का बायकाट करते हैं और समाज को मिलजुल के चलने काम करते हैं जी। तो हम चाहते हैं कि जनता सर्वोपरि है, उसका मतदान एक इस बीच हम एक सवाल और, आप एक निराला जी थे जी, एक घटना हुई थी जी। निराला जी थे, लोग कहते हैं कि बहुत अच्छे छवि के ईमानदार प्रत्याशी थे, अचानक उनका फैसला होता है कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। उसके बाद हमें पता चलता है कि डावर खान हैं एक जो ऐसे व्यक्ति हैं जो व्यक्ति काफ़ी अच्छे छवि के भी हैं, छवि में उनका बेहतर कद है, तो निराला जी के जगह पे देखा जा रहा है क्या है? बिल्कुल, हमारे गांव में निराला जी जो हैं वो हम लोग जात पात से हट के रहो, दल ये भेदभाव से भी हट के हम लोग तो निराला जी को विधानसभा के प्रत्याशी समझ रहे थे कि चरिया बरियारपुर से या कहीं से टिकट मिलेगा तो हम लोग का पूर्ण समर्थन रहेगा। जब पता चला कि मुखिया चुनाव में आ रहे हैं तो हम लोग कहा कि ठीक है, अच्छे आदमी आए हैं। अब निराला जी के साथ जो विश्वासघात हुआ तो उसके बाद तो अब सिर्फ डाबर जी बच जाते हैं, जो इन पर कोई आपराधिक इनका कोई अभी तक कोई एक भी न मुकदमा है न किसी ढंग का कोई जी, समाज के तरफ से कोई जी दाग है न धब्बा है। तो ऐसे प्रत्याशी को तो हम लोग चाहते हैं कि किसी भी हालत में इस ऐसे प्रत्याशी को जीतना चाहिए। अभी समाज के लोगों के लिए कोई संदेश? समाज के लोगों से यही कहेंगे मिलजुल के चलिए और अच्छे प्रत्याशी को आप मतदान करें। अभी तो चुनाव के समय में बहुत सब लोग कहते हैं कि ईमानदार कर्मठ सुयोग, लेकिन एक एक अपराधी को भी देखिएगा, जब उसकी शादी होती है तो उसका बाप अपने उसके आमंत्रण कार्ड पर लिखता है मेरे सुपुत्र की शादी, मेरे सुपुत्र की। हाँ, वो सुपुत्र लिखता है, कुपुत्र नहीं लिखता है। वैसे ही अभी सब लिखते हैं ईमानदार स्वच्छ कर्तव्यनिष्ठ, हम दूसरे पर लांछन नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ चाहते हैं कि जो अच्छे प्रत्याशी हैं उनको समाज जी उनको समाज जिम्मेदारी दे जी। तो एक बार फिर से हम डावर खान जी से बात करेंगे। डावर खान जी, आप अपने जनता के नाम कोई संदेश देना चाहें? मैं मुखिया प्रत्याशी से चुनाव लड़ने का फैसला किया है और हम चाहेंगे कि जनता अगर हमें वोट देती है, वोट दे के हमें जिताती है, तो हम वादा करते हैं कि वादे के साथ इरादा भी है मेरा कि आगे जीतने के बाद
हम गांव में जो भी कमियां हैं उस कमियों को दूर करेंगे। इंदिरा आवास में पूर्व से लेकर वर्तमान मुखिया ने वीरेंद्र शर्मा ने 15,000 रुपया जनता से लिया है और 625 या 30 इंदिरा आवास जनता को बांटा है और उसमें 15,000 अगर 15,000 को 600 से ही मल्टीप्लाई किया जाए तो तकरीबन 70 लाख रुपया होता है। और पूर्व मुखिया महफूज जी के बारे में मैं बात करना नहीं चाहता था लेकिन वो भी इस बार चुनाव लड़ने के लिए फील्ड में हैं तो उनका भी मैं नाम लेना चाहूँगा। अगर नहीं रहते वो फील्ड में तो नाम नहीं लेता लेकिन वो भी अपना नामांकन कराया है। तो महफूज अंसारी के समय में भी कार्यकाल में महफूज अंसारी जी ने 400 कुछ ऐसे है इंदिरा आवास ने दिया था लोगों को, उसमें से 10,000 प्रति व्यक्ति उन्होंने घूस के रूप में हो या जो रूप में हो उन्होंने पैसा लिया था और 400 ही माना जाए, अगर 400 को मल्टीप्लाई किया जाए अगर 10 से तो तकरीबन 40 लाख होता है। और आज जनता के ही पैसा को, जनता का जो इंदिरा आवास का पैसा है, दोनों मुखिया ने अब तक लूट करके और आज कहीं न कहीं जनता के पीछे वही पैसा को दारू में, शराब में, तारी में इन्होंने खर्च कर रहे हैं और पैसे से वो आंख दिखाते हैं कि हमारे पास पैसा है, जनता को हम खरीद लेंगे। तो जनता मालिक है, जनता फैसला करेगी कि किन्हें जिताना है, किसे मुखिया बनाना है, जनता जो करेगी। मैं जनता को उनके सिंबल ढकने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंबल ढकने से क्या होता है, मेरा जो आचरण है, मेरा जो व्यवहार है, वो चुनाव चिन्ह पे अपना चिन्ह लगा के वो ढकेंगे, ढक नहीं सकता है। दावर खान का रूप ही चुनाव चिन्ह है, दावर खान का नाम से ही लोग जानते हैं कि वो कैसे छवि के हैं। वो जितना भी ढके जनता हमें उजागर करेगी, हम चमकते हुए सितारे के साथ आएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, कोई व्यक्ति चुनाव चिन्ह को ढक सकता है लेकिन किसी के छवि को कैसे ढकेगा, ये बेहतर बात है। और ध्यान रखना पड़ेगा कि हम यही कहेंगे कि सोच समझ कर करें मतदान, तभी होगा आपका सम्मान। अब कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा बड़ी न्यूज़ बिहार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।